फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें नसीहत दी है। मिश्रा ने कहा कि अभिनेत्री चड्ढा सेना का सम्मान करना सीखें, रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझें, ये सेना है सिनेमा नहीं है। भारतीय सेना पर बयान देना अब फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को काफी महंगा पड़ रहा है। उनका यह विवादित बयान अब तूल पकड़ रहा है, जिसके कारण अब उन्हें लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर लोग उनसे नाराज है, जिसके चलते कई जगह लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी ऋचा को नसीहत देते हुए कहा कि सेना का सम्मान करना सीखे, रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझें, यह सेना है सिनेमा नहीं। ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है सिनेमा नहीं, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से। ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को, कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। सेना और सिनेमा में फर्क करना समझो आप, रील और रियल लाइफ में भी अंतर करना सीखिए। आपको बता दें, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा एक विवादित ट्वीट करने के बाद बुरी तरह फंस गई हैं। चड्ढा ने भारतीय सेना के बलिदान का मजाक बनाया था। चड्ढा ने अपने ट्वीट में सेना की उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का जिक्र करते हुए उसे चीन की सीमा से सटे गलवान में सामने आ चुके एक पुराने घटनाक्रम से जोड़ा था। चड्ढा का यह पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए सेना का मजाक बनाना चड्ढा को भारी न पड़ जाए। बॉलीवुड में पहले एकता कपूर ने सेना के परिवार पर विवादित फिल्म बनाई थी और अभिनेत्री चड्ढा सेना पर बयान देकर ओछी पब्लिसिटी लेना चाह रही हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।